नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका पुलिस ने आज जगह जगह पर सख्ती से चेकिंग की। थाना सिटी के प्रभारी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, वाहनों के चलान भी काटे जा रहे हैं। आज फाजिलका के होटल बाजार में पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई, जहां पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की गई। इसके साथ ही बिना वजह घूमने वाले लोगों के चलान काटे गए। पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से सख्ती से चेकिंग की जा रही है। कर्फ्यू का पालन लोगों को करवाया जा रहा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका पुलिस ने इस नाकाबंदी के दौरान हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की। इस दौरान कुछ लोग अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे तो कुछ लोग बाजार में सामान लेने के लिए निकले थे। पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई कि आखिर वे घरों से बाहर किस लिए निकले हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं यहां पर मौजूद थाना सिटी के प्रभारी राजेंद्र शर्मा से। दृष्टिता से जानकारी दे रहे हैं, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। दवाई लैनी, दवाई लाओ, असीं तुहानूं रोकदे नहीं हैगे, बट दवाई प्रॉपर करो ना तुसीं। तुहानूं बताओ बुजुर्गां नूं दवाई दिओ तां अग्गे तों अगर तुहानूं वार्निंग दिंदे हैगे। पुलिस वल्लों किस तरह दा अभियान चलाया जा रहा है? जिवें कि लोग कह रहे ने पुलिस रेस्ट मोड ते चल रही है, रेस्ट मोड दे सकते हैं, किस तरह की पुलिस दी है? ऐसी कोई गल नहीं हैगी जी, असं हूँ भी खड़े हैं, मानजोग डीएसपी साहब भी साढ़े नाल ही खड़े हैं जी। प्रॉपर अभी शहर की चैकिंग कर रहे हैं, कोई रेस्ट मोड वाली गल नहीं हैगी। असी जदों का कर्फ्यू की वायलेशन जो लोग कर रहे हैं, असं घटो घट 30 मुकदमे FIR उन्होंने लॉज की हैं। तो रोज़ ही असं जो कोई वायलेशन करते हैं, उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू लॉ असं बंद करते हैं। जो कोई व्हीकल है घटो घट अभी 100-125 तो भी ज़्यादा शायद असं 150 व्हीकलों के असं चलान कर देते हैं जी। तो प्रॉपर असी सारे पब्लिक नूं ठीक है, जो कोई मतलब किसी ने कोई प्रॉब्लम है, कोई दवाई वगैरह की प्रॉब्लम हैगी है, किसी ने भी कोई बुजुर्ग आदमी है कोई इधर लै रहा दवाइया की, चलो दिखती है उन्होंने थोड़ी उम्र रिलैक्स कर रहे हैं, अदरवाइज कोई रेस्ट मोड नहीं है। साड़ी प्रॉपर जी सवेर तो लैके शाम रात 11 बजे तक साड़ी तकरीबन चलती है। मैं आप खुद रहना जी, साढ़े मुलाजम नाल ने देखो, साढ़े मुलाजम आने जाने वाले भी चेक कर रहे हैं जी। जो कोई दवाई वगैरह लगता उन्होंने थोड़ी रिलैक्स जरूर दिता जाता, अदरवाइज साड़ा कोई रेस्ट नहीं है। सर की मैसेज दोगे जे फाजिलका वासियों को, जे हले भी एवं बिना मतलब घूमी जाते, जिन्होंने पता ही नहीं भी करोना करके घरे रहना क्यों जरूरी है? नहीं देखो, हम ज्यादा कोई बेवजह नहीं घूम रहे, लोगों को पता लग रहा है भी ठीक है भी मतलब बाहर कर्फ्यू लगा है, कोई नहीं जा रहे। हाँ इन्नी वजी पब्लिक के जो कोई थोड़ा बहुत होंगे भी किसी ने कोई बेसिकली कोई फिजिकली प्रॉब्लम होंगी है, वो फिर सुन के उन्होंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जी। पुलिस वालों सर अगे किस तरह का अभियान चलेगा? जो कल संडे है, क्या जा रहा, सारी मार्केट या सब कुछ बंद रहेगा, तो इस स्थिति के शहर वासियों को एड्रेस करना चाहोगे? जो इंस्ट्रक्शन है जी, उन्होंने अकॉर्डिंगली असं समय समय से उन्होंने चेक करते रहेंगे जी। कोई गल नहीं तो हैगी है, पर मेडिकल दुकाना है वो तकरीबन 12 बजे तक खुल दियाँ, उन्होंने जो असं प्रॉपर उन्होंने है पुलिस फोर्स की इमदाद दें ठीक है, प्रॉपर जो असं चेक कर रहे हैं। बाकी है कि इलाके में सारी पूरी साड़ी सख्ती हो रही है, किसी को कोई एड्डा रिलैक्स नहीं किया जा रहा है। कोई भी बंदा जो कोई मतलब मन चला बंदा जो रोड से तुरै जाता है, उन्होंने असं कोई स्पेयर नहीं करते। वैसे हम बहुत घटे अगर लोग अवेयर हो रहे हैं, उन्होंने पता है भी हमने लॉकडाउन जो 31 तक बढ़ गया, लोग समझ गए भी ये बहुत गंदी बीमारी है, जो किसी को लग गई तो परेशानी उन्होंने हो सकती है, जो उन्होंने परिवार को हो सकती है, इस करके लोग भी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। बाकी जो दुखा दुखा होंगे तो उन्होंने फिर जी वायलेशन करते दुखों के मुताबिक अभी कार्रवाई करते।